दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपके साथ मैं इस नए बुक के बारे में विस्तार से चर्चा करूंगा, न्यू दर्पण का जो बुक है उसी के बारे में। ये बुक है दोस्तों सामान्य विज्ञान से आधारित, इसमें क्वेश्चन दिया गया है जनरल साइंस, और ये एनसीईआरटी पैटर्न पे आधारित ये बुक है। अब देखिए, इसमें तो लिखा गया है आरएएस शिक्षक एलडीसी पटवारी राजस्थान एसआई रेलवे एनटीपीसी रेलवे लोको पायलट रेलवे ग्रुप डी एसएससी एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु। इसमें तो लिखा गया है दोस्तों रेलवे ग्रुप डी के लिए भी बुक है, लेकिन लिखने से तो कुछ नहीं होगा, इसको देखेंगे और जानेंगे कि ये उसके लायक है या नहीं है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन का स्तर देखेंगे फिर आपको समझ में खुद आ जाएगा। और इसमें आपको विशेष करके दिया गया है 6 से 12वीं कक्षा तक का इसमें क्वेश्चन दिया गया। अब दोस्तों सबसे पहले जानेंगे इसमें लेवल किस तरह का क्वेश्चन का दिया गया है, देख लीजिए। ये देखिए दोस्तों, ये है आपको कक्षा सिक्स का वन लाइनर क्वेश्चन इसमें देखिए दिया गया है। तो देख लीजिए, इसमें देखिए जैसे इसमें दिया गया आपको अध्याय एक, इसमें दो तीन, इसी तरह से कक्षा सिक्स से आपको देखिए गति भी दिया गया है और सरल मशीन बल चुंबक ये सब सेक्टर से आपको दिया गया है, लेकिन इसका लेवल देखेंगे। चलिए पहले इसमें देख लेते हैं कुछ, फिर आपको मैं इसका लेवल दिखाऊंगा और आपको इसका कुछ क्वेश्चन भी दिखाऊंगा किस तरह का क्वेश्चन, और आपको मैं ऑब्जेक्टिव का अपडेट दे दूंगा इसका। अब देखिए, सेवन्थ में इस तरह का क्वेश्चन दिया गया, अम्ल क्षारक एवं लवण ये सब दिया गया है। आगे देखिए दोस्तों, इसमें देखिए 13 अध्याय जो है आप कंप्यूटर दिया गया है। देखिए प्रकाश का परावर्तन, ताप एवं ऊष्मा, वन एवं वनजीव ये सब दिया गया है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं इधर देख लेते हैं। अब देखिए इधर कक्षा 8 से संबंधित इसमें आपको वन लाइन क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, तो देख लीजिए रक्त परिसंचरण। चलिए आगे देखते हैं, इसमें भी दिया गया है कार्य एवं ऊर्जा ध्वनि दिया गया है। आगे देखते हैं, अब इसमें देखते हैं आगे नाइन्थ क्लास का विज्ञान का देखते हैं। अब देखिए दोस्तों, इसमें दिया गया है विज्ञान की प्रकृति, आगे दिया गया है आपको देखिए इस तरह से इसमें दिया गया है। चलिए आगे देख लेते हैं, इसमें ध्वनि भी दिया गया है, गुरुत्वाकर्षण दिया गया है। चलिए आगे देखते हैं, अब इधर देख लीजिए, इधर जो आपको दिया गया है इसमें आपको दिया गया है आपको 15 अध्याय तक। अब देखिए क्लास 10th में दिया गया है भोजन एवं मानव स्वास्थ्य, मानव तंत्र दिया गया है, अनुवांशिकता। आगे देखिए, और देखिए विद्युत धारा भी दिया गया है, कार्य ऊर्जा शक्ति दिया गया है। आगे देखते हैं, और ये देखिए दोस्तों यहाँ कक्षा 11वीं का जो है इसमें दिया गया आपको कुछ कम ही दिया गया है क्वेश्चन, और पेज भी कम है। और यहाँ भी देख लीजिए 12वीं में भी, और ये यहाँ आपको देखिए इसमें राजस्थान बोर्ड ओल्ड स्कीम, इसमें 9th और 10th का भी आपको इसमें कुछ अपडेट दिया गया। चलिए अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए ये क्लास 6 का है, और मैं आपको 12th तक का इसमें जो दिया गया है वन लाइन उस सभी को इस वीडियो में दिखाऊंगा। तो ये आप PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसका लिंक वैसे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए देख लीजिए दोस्तों, इसमें जो है आपको वन लाइन क्वेश्चन क्लास 6 से संबंधित दिया गया है। चलिए क्वेश्चन का लेवल एक बार आप देख लीजिए, इस तरह का इसमें क्वेश्चन दिया गया, देख लीजिए लेवल, फिर आप अनुमान लगाइएगा कि ये ग्रुप डी लाइक है या नहीं है। चलिए देख लीजिए दोस्तों, आगे देखिए, चलिए आगे देखते हैं। देखिए ये सब तो नॉर्मल क्वेश्चन है, ये सब आपका चलता फिरता क्वेश्चन ये सब। चलिए आगे देखते हैं, चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। देखिए ये आपका क्लास 6 का ही था, ये दोनों पार्ट इधर और इधर एक बार दिखा दे रहा हूँ, अच्छा से आप देख लीजिएगा इसको। क्वेश्चन का लेवल देख के आप कमेंट जरूर कीजिएगा कि क्या ये ग्रुप बी लाइक है या नहीं। अब देखिए, अब चले आया मैं क्लास सेवन का। देखिए इसमें भी क्वेश्चन दिया गया है। अब लेवल, आप सबसे पहली बात लेवल देखिए क्वेश्चन, अब ग्रुप डी में आएगा ऐसा क्वेश्चन या नहीं आएगा इससे संबंधित, आप देख करके अनुमान लगा सकते हैं। तो देख लीजिए दोस्तों, ये नॉर्मल क्वेश्चन इसमें दिया गया है।
आगे चलिए दिखाता हूँ, और इधर भी देखिए इसको छोटा कर दे रहा हूँ। देखिए इसमें दिया गया, देखिए इसमें दिया गया है इस तरह का क्वेश्चन। ये अच्छा अच्छा क्वेश्चन भी दिया गया है इसमें, तो एक बार आप देख लीजिए। अब देखिए क्लास 8 का क्वेश्चन का लेवल देख लीजिए क्या दिया गया है, कृषि प्रबंधन क्लास 8 में। इसका क्वेश्चन का आप लेवल देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन का लेवल देखिए एक बार। देखिए दोस्तों आप देखिए, ये इधर भी देख लीजिए, इस साइड देख लीजिए, इस साइड देख लीजिए। चलिए आपको मैं छोटा करके दोनों तरफ का दिखा दे रहा हूँ, एक बार आप देख लीजिए। वैसे देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको, ऐसा क्वेश्चन आपको ग्रुप डी में देखने को मिलता ही मिलता है। जैसे मान लीजिए कहता है रबी फसल खरीफ फसल, इसके बारे में आपको एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। तो ये आपको अच्छा इसमें दिया गया है। चलिए आगे देख लीजिए, इधर भी देख लीजिए, इधर भी। चलिए आगे आपको मैं दिखाने का प्रयास करता हूँ। अब देखिए क्लास 9th का जो इसमें क्वेश्चन है उसको देख लीजिए। देखिए ये साइंस संबंधित, इसमें पहला चैप्टर उससे संबंधित मिलता जुलता है, तो उससे संबंधित आपको क्वेश्चन दिया गया है। अब देखिए ये इस तरह का क्वेश्चन है, इसमें आप देख लीजिए। आगे देखिए दोस्तों, आगे भी आपको मैं दिखा दे रहा हूँ, सभी चीज़ आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा, और आपको इसका मैं ऑब्जेक्टिव जो दिया गया है उसको आपको मैं अपडेट कर दूंगा। तो आप कंप्लीट वीडियो देखिएगा, फिर आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए सबसे मेन बात है 10th लेवल का इसमें क्वेश्चन देखिए दिया गया है। तो देखिए दोस्तों ये सब क्वेश्चन दिया गया है, जब बायोलॉजी आप उल्टाएंगे तो ये सब क्वेश्चन आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। चलिए आगे कुछ देखते हैं। तो देखिए दोस्तों ये था आपको 10th का क्वेश्चन था ये सब क्वेश्चन। आगे आप देखिएगा, फिर आपको मैं PDF पूरा जब हो जाएगा तो आपको मैं उसका भी लिंक दे दूंगा, वहां से आप डाउनलोड करके इसको आसानी से पढ़ सकते हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए दोस्तों ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, ये देख लीजिएगा, और ये भी आपको इम्पोर्टेंट है। आगे देखिए 11 कक्षा का क्वेश्चन देखिए वन लाइनर इसमें दिया गया, ये भी आप देख लीजिए। चलिए जूम करके आपको मैं दिखा दे रहा हूँ। देखिए इस तरह का इसमें क्वेश्चन दिया गया है, उसमें भी वन लाइनर। चलिए आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन आपको बार बार देखने को मिलता होगा, मोनेरा जगतार ये सब प्रोटिस्टा फंजाई फलांटी और दिया गया है इस तरह से। आगे देखिए, चलिए आगे आपको ब्रायोफाइटा टेरिडोफाइटा ये सब तो पढ़ने को मिलता ही मिलता। अब देखिए 12वीं की कक्षा में ये सब दिया गया। वैसे दोस्तों मैं 12वीं कक्षा में पढ़ा था, तो ओनली मेरा मैथ था, तो इसमें बायोलॉजी का क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा दिया गया, तो इसके बारे में मुझे नॉलेज नहीं है उतना, तो आप इसको देख सकते हैं। और एक चीज़ देख लीजिए, यहाँ जो आपको दिया गया है राजस्थान बोर्ड का 9th का क्वेश्चन, ये भी देख लीजिए, इसमें भी अच्छा अच्छा क्वेश्चन वन लाइनर दिया गया है। ये सब क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कन्फ्यूजन का रहता है, यदि आप नहीं देखेंगे तो इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है, तो इससे अच्छा है। लेकिन इसको आप उतना अथी नहीं ले सकते हैं, इसको तौर पे नहीं ले सकते हैं कि ये ग्रुप डी के लिए 100% नहीं तो लगभग 70% भी ये उसके चलने लायक नहीं है, इसमें उतना लेवल नहीं है। उसे आपको क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, तब आपको समझ में आ जाए खुद कि इसमें किस लेवल का क्वेश्चन दिया गया। ये देखिए चलता फिरता क्वेश्चन है ये सब, वैसे आपको सारे बुक में ये सब क्वेश्चन मिल जाएंगे, जैसे लुसेंट हो गया। अब देखिए इतना ही इसमें दिया गया क्वेश्चन था, उसे देख लीजिए आप, इसमें आपको लगता है कि ग्रुप डी लायक इसमें क्वेश्चन दिया गया। इस बात को मैं भी मानता हूँ कि इसमें क्वेश्चन अच्छा अच्छा दिया गया, लेकिन मुझे नहीं लगता। चलिए इसको रखता हूँ 30 से 20% इसमें ग्रुप डी से क्वेश्चन मिलने की संभावना, ये भी मैंने बहुत कह दिया, इतना उम्मीद नहीं लगता है लगभग। लेकिन क्वेश्चन आपको मैं जब करवाऊँगा तो आप देख लीजिए, वैसे इसका लिंक दे दूंगा, अगर PDF हो जाएगा पूरा कंप्लीट, तो उसका भी लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप डाउनलोड करके इसको आसानी से पढ़ सकते हैं। फिलहाल मैं ऑब्जेक्टिव का अपडेट दे दूंगा कुछ दिनों में। तो थैंक यू दोस्तों, अगले वीडियो में आते हैं। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, जिनको भी कुछ कन्फ्यूजन हो वो हमें कमेंट कर सकते हैं, उसके लिए आप बिल्कुल फ्री हैं। तो थैंक यू दोस्तों, अगले वीडियो में आते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।